हिमाचल प्रदेश की अर्की विधानसभा सीट पर उपचुनाव में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता व नुहू विधायक चौधरी आफताब अहमद जी और रोहतक से कांग्रेस के लोकप्रिय विधायक श्री भारत भूषण बत्रा जी। ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह राठौड़ जी के साथ कुनिहार उपमंडल में अर्की विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्री संजय अवस्थी जी के समर्थन में प्रचार व चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। चौधरी साहब ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज बीजेपी के कुशासन से पूरा देश त्रस्त है, बीजेपी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इन लोगों ने तो महामारी कोरोना वायरस के दौरान भी भ्रष्टाचार किया। पूरी तरीके से एकजुट होके अर्की विधानसभा में पार्टी की जो विचारधारा है, पार्टी की आइडियोलॉजी है और जो मौजूदा में भारतीय जनता पार्टी की विफलताएं हैं, चाहे वो महंगाई की है, चाहे कोरोना काल में के किस तरीके से इन्होंने काम किया, कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार से ये नहीं हुए और राज्य की हिमाचल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो एक विफल सरकार है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। तो लोगों में हमने महसूस किया कि अब की बार बदलाव का मन है और उसकी शुरुआत जो है यहाँ के उपचुनावों से होगी और हम ये मानते हैं कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरे हौसले से पूरे उससे आज कार्य कर रहा है और कांग्रेस की सुनिश्चित जो है इस उपचुनाव में जीत होगी। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, जिसका जवाब जनता आगामी उपचुनाव में वोट की चोट से भाजपा को देगी। जय हिंद साथियों। Thanks for watching this video. Please like and share. Dear friends, please subscribe Social Rahaniya YouTube channel and also tap on the bell icon. Thank you.